प्रैक्टिकल नंबर 8 इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली रेक्टेंगल जो होती है इट्स अ फोर साइडेड फिगर। इसमें जो लॉन्गर साइड होती है दैट इज नोन एज लेंथ, और जो इसकी ये शॉर्टर साइड होती है इसको कहते हैं विड्थ। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो ये वाली स्पेस होती है जो इसकी बाउंड्री लाइन ने कवर की होती है। एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, इसका हमने बनाना है अब प्रोग्राम, और चेक करते हैं कि इसका सी प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे इसकी आउटपुट लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए मैं तीन तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ। एक होगा लेंथ, मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट करा रही हूँ आपके जो सिलेबस में उससे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एक तो प्रेजेंटेबल हो जाए चीज़, और दूसरा ये कि थोड़ा डिफरेंट आइडिया भी हो जाए कि आपने सारे प्रैक्टिकल डायरेक्ट नहीं कैलकुलेशन करने, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैंने लेंथ विड्थ और एरिया इन टाइप के वेरिएबल्स ले लिए। नाउ वन बाय वन मैं यूज़र को मैसेज दूंगी प्रिंट एफ करके कि आपने पहले एंटर करना है लेंथ। ठीक है, एंटर लेंथ, उसके बाद हम इसको स्कैन एफ के थ्रू सेव कराएंगे इन आवर वेरिएबल। डबल कोट्स में लिखेंगे पर्सन डी और यहाँ पे लिखेंगे एंड लेंथ। ठीक हो गया, ये हमारा लेंथ में हमारा जो भी यूज़र सेव करेगा वो लेंथ में जाके सेव हो जाएगा। देन गिव मैसेज, बल्कि मैं यहाँ पे टाइपिंग की बजाय ऊपर वाली दोनों लाइंस कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे विड्थ के लिए भी सेम वही लाइंस चाहिए। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब हम करेंगे लेंथ की जगह रिप्लेस विड्थ। नीचे वाली लाइन में भी यही काम करना है हमने, एंड के बाद लेंथ की बजाय क्या लिख देंगे? विड्थ। लें जी, इसके बाद हमने करनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया का, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। रिमेंबर दैट कि मैंने तीनों ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन में इंट भी डिक्लेयर्ड है। अब मैंने इस जो रिजल्ट है इसको प्रिंट कराना है थ्रू प्रिंट एफ स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी, मैंने कैपिटल ए के साथ एरिया इसलिए लिखा है क्योंकि ये जस्ट डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज़ जैसा मैंने लिखा हुआ है। अब जो पर्सन डी है वहाँ पर कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा, और वो कहाँ से आएगा? इस वेरिएबल से जिसमें मैंने कैलकुलेशन करके सेव किया है। लेंथ और वेट आपस में मल्टीप्लाई होकर कहाँ सेव हो जाएंगे? एरिया के वेरिएबल के अंदर। नाउ बिलते हैं रन टू सी दी आउटपुट। लें जी, कंसोल स्क्रीन ले रहे हैं, जूम इन करते हैं इसको। लेंथ एंटर करते हैं, कुछ छोटे छोटे सॉरी इंटीजर लिया था इसलिए इंटीजर ही करना आपने, फ्लोट नहीं करना। लेंथ एंटर की और हमने विड्थ एंटर की, और लेट्स सी द आउटपुट। एरिया इज 920। ठीक है,